बच्चों को मैं बोलना चाहूंगी बायोलॉजी में जब भी, भी आप पढ़ रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो अपने पास हाइलाइटर्स रखिए आप पूरा पेज का टाइम नहीं है अब इतना करने के लिए तो स्टिकी नोट्स पे वी कैन जस्ट एड फ्यू वर्ड्स हेलो एवरी वन वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज ऑफ मेनिट एंड टूडे वी हैव विद अ स्नेहा मैम एंड आई थिंक आप पॉडकास्ट में स्नेहा मैम से पहले नहीं मिले हैं सो आई थिंक मैम आप अपना एक इंट्रोडक्शन प्लीज दे दीजिए हेलो स्टूडेंट्स हेलो एवरी वन माई सेल्फ स्नेहा भट्ट एंड आज हम पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं जो भी आपका वन मंथ स्ट्रैटेजी रहेगा एंड आई होप बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं स्ट्रैटेजी अच्छे से बना रहे हैं तो इस पॉडकास्ट के थ्रू आई होप आप लोग अच्छे से एडवाइस ये रहेगा हमारा कि आप किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएं वन मंथ बिफोर नीट एग्ज़ाम एंड बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है बाकी विल कंटिन्यू एंड प्लीज़ स्टे ट्यून हमारे साथ बिल्कुल मैम uh, आपसे जानना चाहेंगे कि स्पेसिफिकली uh, अगर बात करें बायोलॉजी की तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि बच्चों के 350 प्लस मार्क्स आ जाए uh, वैसे तो मैम एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बायोलॉजी में मैं कहूंगी मैक्सिमम चांसेस हैं कि फुल 360 में से 360 लाया जा सकता है बिकॉज देर विल बी नो कैलकुलेशन एरर ओके ठीक hmm. है फैक्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास तो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टिप रहेगी बच्चों को कि पीवाई क्यू के थ्रू फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स एफ ए टी पे फोकस करिए बिकॉज पीवाई क्यू एज इट इज नहीं आने वाला हुँ, हुँ, लेकिन पीवाई क्यू के थ्रू वी कैन नो की टॉपिक कौन कौन से बार बार पूछे जा रहे हैं पैटर्न समझ में आ जाएगा पैटर्न समझ में आ जाएगा तो फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स Right. याद रखिए इस चीज के लिए और हुँ. इस चीज के लिए बच्चे जब भी पीवाई क्यू कर रहे हैं हुँ. एक तो टॉपिक मेंशन कर लो कि किस टॉपिक से वो आ रहा है क्वेश्चन एंड देन गो टू एनसीईआरटी एनसीईआरटी लेके बैठिए आपने बोला ना एनालिसिस करते वक्त एनसीईआरटी लेके बैठ जाइए कि इस टॉपिक से इतने क्यू आ रहे हैं तो दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी Right. बच्चों को मैं बोलना चाहूंगी बायोलॉजी में जब भी आप पढ़ रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो अपने पास हाइलाइटर्स रखिए हाइलाइटर्स अलग अलग कलर्स के पीवाई क्यू पूछने वाले जो हाइलाइटर्स हैं उसको अलग कलर से कर लीजिए hmm. ठीक uh, है बहुत किडिश चीज बट इंपॉर्टेंट यस वेरी एंड जैसे जो एजर्शन रीजन होता है मैं आपको बताना चाहूंगी ये बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड एंड एजर्शन रीजन क्वेश्चन हमने यूट्यूब पे सीरीज भी है इस पे एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन की प्लीज वो गो थ्रू कर लीजिए तो तो ये क्या है वाले तो वाले या statement वाले questions अलग कलर से आप हाईलाइट कर सकते हैं That's gonna help a lot बच्चों को right, right. बायोलॉजी वाले टीचर्स या बाकी सब्जेक्ट टीचर्स भी बताते होंगे स्टिकी नोट आप पूरा पेज का टाइम नहीं है अब इतना करने के लिए तो स्टिकी नोट्स पे वी कैन जस्ट एड फ्यू वर्ड्स जो भी उस पैराग्राफ से इंपॉर्टेंट वर्ड है वी कैन कीप इट इन स्टिकी नोट्स पे वो आपका वहां पे रह सकता है तो बायोलॉजी में येस बॉटनी जोलॉजी दोनों मिला के बोलूंगी पॉसिबल है आपके थ्री सिक्सटी आउट ऑफ थ्री सिक्सटी एनसीआरटी अभी तक मैं बोलूंगी अगर वन मंथ रह गया है तो एटलीस्ट थ्री टाइम्स आपकी गो थ्रू हो जानी चाहिए ठीक है बच्चों जो भी अब थ्री टाइम्स नहीं कर पाए हैं तो न्यू कुछ भी स्टार्ट मत कीजिए दोबारा से शुरू कर ले कर लीजिए लेकिन एनसीईआरटी गो थ्रू हो जानी चाहिए अभी तक बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नया नहीं करना है राइट राइट टाइम सो आई थिंक बच्चों यहां पर uh, मैम ने बहुत ही बेसिक सी चीज एक बताई है आपको हम कभी कभी उसको ना अवॉइड कर देते हैं कि स्टिकी नोट्स हाँ हमें पता है अगली बार कर लेंगे सो आई थिंक ये चीजें छोटी छोटी बहुत इंपैक्ट करती हैं कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा अफेक्ट करती हैं बिल्कुल uh, तो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जैसे आपने एनसीआर की बात करी तो अगर अब अगर बच्चे सोचे कि ओके एक महीना बचा है कि सारी रिविजन अब सिर्फ एनसीआर से ही करें क्या वो ठीक स्ट्रेटेजी रहेगी अब बिल्कुल ठीक रहेगी मैम एनसीआर इज द की चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आप ले लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी एनसीआर टी से एज इट इज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज इट इज का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आपको सेंटेंस कॉपी पेस्ट कर दिया गया है hmm. थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हो सकती है कॉन्सेप्ट hmm. अगर आपको समझ आ गए हैं hmm. तो वो क्वेश्चन बहुत ईजीली हो जाएगा

नहीं, करना नहीं, है नहीं, तो नहीं। मुझे पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल नहीं। ठीक है बायोलॉजी में ऑल दो ऐसा नहीं है काफी सिलेबस कट चुका है ठीक है तो आप लोगों के पास अब सिलेबस कम हो गया है और मैं ये बोलना चाहूंगी टाइम भी कम रह गया है कोई भी नई चीज स्टार्ट मत करिए एनसीआरटी जैसे आपसे पहले भी बोलते आ रहे हैं एनसीआरटी पे ही स्टिक रही है हाईलाइट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट्स अ गिफ्ट हमारी आईज को कलर्स बहुत पसंद होते हैं तो जितना भी आप कलरफुल तरीके से स्ट्रेटेजाइज करेंगे ना एनसीईआरटी को आपको पढ़ने में भी मजा आएगा नींद नहीं आएगी नहीं, बोरिंग नहीं लगेगा सेम चीज पढ़ना एंड हाँ वहां पे मार्क जरूर करिए कि ये मैंने क्यों मार्क किया हुआ है ब्लू इज फॉर पी वाई सपोज रेड इज फॉर एसेशन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी बायोलॉजी में आप बोलते हैं बच्चे की एसेशन रीजन कैसे पता चलेगा तो बच्चों जहां पे भी आपको सेंटेंस में ड्यू टू या बिकॉज वर्ड दिख रहा है मतलब वो क्वेश्चन वो लाइन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एजर्शन रीजन उससे रीजन wow. का क्वेश्चन बन सकता है आई थिंक सभी बच्चों को ये जरूर इस पे गौर करना चाहिए मैम ने एक बहुत अच्छी आपको एक ट्रिक बताई है सो या यस ये चीज हमारा आपको दिख जाएगा uh, मैं आपके क्लिप्स वगैरह में दिख जाएगा कि कहाँ no. पे ड्यू टू कहाँ पे बिकॉज है मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगी ठीक है एंड लास्ट में बच्चों को ये चीज जरूर बताना चाहूंगी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन या जब भी, भी आप पीवाई कर रहे हैं प्लीज ओ एम आर के थ्रू ही प्रैक्टिस कीजिए ठीक है तो अगर हम अभी मंथ के बारे में बात करें मैम तो एटलीस्ट आवर्स आवर्स अ डे पढ़ना है बिकॉज हमारे पास अप्रोक्सिमेटली सेवेंटी नाइन चैप्टर्स है hmm. ठीक है उसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो टू थ्री आवर्स फॉर वन चैप्टर बचता है मेरे पास इसमें मैंने नंबर ऑफ आवर्स कम कर दिए हैं फॉर द टेस्ट लगभग एट्टी या एट्टी फाइव आवर्स आपके टेस्ट में जाएगा ठीक है तो टेस्ट आप हमेशा पीवाई क्यू जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं वो आप ओ एम आर शीट में करिए लास्ट टाइम पे बच्चे जो गलती करते हैं वो ओ एम आर शीट में करते हैं ठीक है और एनालिसिस में भी आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या चीज गलत की है गलत सर्कल कैसे किया है या दो सर्कल कर दिए हैं तो वो आप अवॉइड करिएगा उससे आप बच जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल मैम आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ पर एंड आई थिंक हम जैसे टेस्ट की बात कर रहे हैं अब लेट्स से कि अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि एक महीना है और रोज फुल टेस्ट देने हैं तो क्या वो सही स्ट्रेटेजी रहेगी अः रोज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से हुँ. पर अगर हम अल्टरनेट डेज के बारे में बात करें अल्टरनेट डेज या आफ्टर टू डेज का गैप करके हम ये चीज कर सकते हैं ओके ठीक है मतलब आपने जितने नंबर ऑफ आयर्स मैंने बोला ना मैम सबसे इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेटेजी अगर यहाँ पे बच्चा वन मंथ या थर्टी डेज प्लस माइनस अ वीक जो भी चल रहा है हुँ. 30 मंथ्स का का स्ट्रेटजी बनाया कि 84 आवर्स से 85 आवर्स या 90 आवर्स में मुझे कम से कम इतने टेस्ट देने हैं ठीक है okay. अगर हम थ्री आवर्स एक टेस्ट के लेके चलें तो हुँ. 30 टेस्ट हो गए ना हमारे हुँ. तो 30 टेस्ट क्या हमारे 30 डेज के हिसाब से हो रहे हैं. अगर okay. हम अल्टरनेट डेज में ले रहे हैं तो एक दिन में दो टेस्ट हो जाएंगे राइट 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 ओके